अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये मेरी वीडियो जिसका टॉपिक मोहब्बत है, असल में हमारे माशरे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे माशरे में मोहब्बत का जो असल मकसद है वो भुला दिया है, और नफ्स की ख्वाहिशात को मोहब्बत, इश्क, प्यार का नाम दिया जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि मोहब्बत वो है जो नफ्स की कैद से बाहर निकाल दे। मैं आपको बता दूँ कि दुनिया के तमाम मुफक्करीन और माहिरीन इस बात पर मुकम्मल इत्तफाक रखते हैं कि मोहब्बत का जज्बा दूसरे तमाम जज्बों से अफजल और आला है। इकबाल भी इस नुक्ता से मुत्तफिक नज़र आते हैं। वो अपने अशार में मोहब्बत के बारे में लिखते हैं, वो कहते हैं कि शहीद मोहब्बत ना काफिर ना गाजी, शहीद मोहब्बत ना काफिर ना गाजी, मोहब्बत की रस्में ना तुर्की ना ताज़ी। असल में इकबाल इस शेर में बताना चाह रहे हैं, वो मोहब्बत की खसूसियात लिखते हैं, और इसमें जो पहली खासियत बताते हैं वो कहते हैं कि मोहब्बत का जज्बा जो है ना, मोहब्बत का जज्बा अमलन तमाम हदूद से बाला तर नज़र आता है। वो कहते हैं कि मज़हब, कौम, नस्ल या फ़िरकाबंदी या किसी भी आपने किसी शख्स को किसी से मोहब्बत बेनियाज देखी होगी, लेकिन वो शख्स जो अल्लाह ताला की मोहब्बत में फना हो जाता है वो हर किस्म के मजहबी तसुबा से बालातर हो जाता है। यही वजह है कि मोहब्बत करने वाला काफिर और मुस्लिम दोनों में ही फ़र्क किए बग़ैर मोहब्बत का बर्ताव एक जैसा करता है। इस मोहब्बत के जज्बे में ना तो अकीदे का अमल दखल है और ना ही कोई नस्ल, कोई रस्म या किसी किस्म की रवायत की पासदारी करती है। यहाँ तक कि मोहब्बत ना तो किसी कौम और ना ही किसी मुल्क से मुख्तस है, बल्कि ये एक अफाकी जज्बा है जो हर किस्म की नस्ली, कौमी, लसानी, वतनी और जग्राफियाई हदूद से बाहर है। यहाँ पे इकबाल आगे मज़ीद वो कहते हैं इसकी तशरीह में कि वो मोहब्बत में जो कोई भी कुर्बानी देता है इसे ना तो शहीद कहते हैं और ना ही उसे काफिर और ना ही उसे गाजी जैसे लकब से पुकारा जा सकता है। असल में मैं तशरीह के अलावा ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इकबाल साहब मोहब्बत की बात कर रहे हैं इसमें वो अल्लाह की मोहब्बत की बात कर रहे हैं ना। वो कहते हैं कि मैं ये समझता हूँ मोहब्बत मोहब्बत में मोहब्बत वो है जब हम सुबह सो रहे होते हैं तो फजर की अजान हुई और आपने नींद को कुर्बान किया, अल्लाह की मोहब्बत में उठे और नमाज के लिए चल दिए। ये मैं ये समझता हूँ कि ये मोहब्बत है ना, तो यानी आपने अल्लाह के लिए अपनी अपने सुकून को कुर्बान किया है तो मोहब्बत वही होती है ना। मोहब्बत एक वो कहते हैं कुर्बानी मांगती है ना, तो आपने अपने अल्लाह से मोहब्बत का ये जो इजहार किया है ये अपनी नींद को, अपने सुकून को कुर्बान करके, तो ये मोहब्बत ही तो है। और फिर आगे मज़ीद वो इस तशरीह अगर मैं इसकी करूँ, इस शेर की, इकबाल साहब के शेर की, वो कहते हैं यानी वो ना तो मैं ये समझता हूँ इसमें वो कह रहे हैं कि ना ही किसी किस्म की नस्ली बुनियाद पर उस शख्स की शनाख्त की जा सकती है। हर इंसान से मोहब्बत करना यानी इंसानी दोस्ती ही इंसानियत है।